हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्री पीयूष गोयल जो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी हैं, साथ ही साथ जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, रिसेंटली हुई एक मीटिंग में दोस्तों यहाँ पर पीयूष गोयल ने बोला है कि हम यहाँ पर एक फैसले को मंजूरी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस फैसले के बाद अगर इसको मंजूरी मिलती है तो इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा यहाँ से फायदा पहुँचने वाला है, मिलने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। ये जो विजन है भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दोस्तों, उसके लिए एक स्टेप क्लोजर हम हो जाएंगे यहाँ से। तो ये क्या फैसला है, इसको आपको डिटेल में दोस्तों मैं समझाने वाला हूँ। पूरा देखिएगा वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये होगा एज ए इन्वेस्टर इन दोस्तों इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर ये न्यूज़ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये न्यूज़, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जून 22 यानी कि कल ही की दोस्तों ये अपडेटेड न्यूज़ है। पीयूष गोयल होल्ड्स मीटिंग ऑन नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अप्रूवल्स लाइकली टू बी लॉन्च्ड सून। तो जी हाँ दोस्तों, ये है क्या नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश का जो विंडो सिस्टम है, मतलब कि अगर अगर किसी भी बिजनेस को दोस्तों यहाँ पर किसी भी बाहर की देश की कंपनी को या फिर इंटरनल की बात करें, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। कई विंडोज़ से यहाँ पर होके गुजरना पड़ता है, कई पेपर वर्क से गुजरना पड़ता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, कई ज़्यादा काउंटर्स पे से गुजरना पड़ता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये कि सिंगल विंडो सिस्टम अप्रूव करने वाले हैं, जहाँ पर कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होने का सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या है? सीधा सीधा इम्पैक्ट है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर काफ़ी आ सकती है। जो बाहर के बिजनेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों उनके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों भारत का नाम काफ़ी नीचे आता है, और इसकी वजह से कई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकलती हुई देखने को मिली। जो भारत में आ सकती थी वो गई दोस्तों वियतनाम में गई, ताइवान में गई, सिंगापुर में गई, थाईलैंड में गई, लेकिन यहाँ पर अब दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने के बाद ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वापस से इंडिया में आ सकती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो चाइना है, देखिए चाइना से डायरेक्ट कैसे यहाँ पर रिलेशन है। देखिए चाइना दोस्तों, आपको पता है कि कई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं उसके, कई यहाँ पर जो है रेगुलेशंस हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर की कंपनीज जो है दोस्तों थोड़ा सा वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लगाना है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चाइना प्लस वन की जो थीम है दोस्तों, उसका भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा भारत को। और आपको पता है दोस्तों, अलीबाबा का आप केस आप खुद को पता है अलीबाबा के साथ दोस्तों चाइना क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, पिछले साल की एक रिपोर्ट थी जहाँ पर बताया गया था कि भारत में जापान की कंपनीज़ हैं, US की कंपनी है, ये भारत में आना चाह रही थी, लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। जिसका रीज़न था वो चली गई भैया, सिंगापुर चली गई, वियतनाम चली गई, यहाँ पर चली गई जहाँ पर थोड़ा पेपर वर्क जो है कम है, थोड़ा जो विंडो सिस्टम है वो थोड़ा इजी है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों यहाँ पर भारत की रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है इस प्लेटफॉर्म, इस सिस्टम के ओपन होने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर पेपर वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम विच विल अलाउ इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई फॉर वेरियस प्री ऑपरेशन अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग अ बिजनेस इन इंडिया इज लाइकली टू बी लॉन्च सून, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सैड ऑन ट्यूजडे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बिजनेस करना, जो कमेंस बिजनेस कमेंसिंग मतलब कि बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी हो जाएगा, जो अप्रूवल्स हैं और जो जो अप्रूवल्स हैं, जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर एक सिंगल विंडो के थ्रू दोस्तों यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है। देयर विल बी 17 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स एज वेल एज 14 स्टेट्स ऑन बोर्ड इन दिस फर्स्ट फेज। तो ये कई फेज में चलने वाला है दोस्तों। फर्स्ट फेज में यहाँ पर 14 स्टेट्स को ऑनबोर्ड किया जाएगा, और डेफिनेटली दोस्तों इसके आने के बाद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का आई थिंक नंबर 70 से भी नीचे है, वो अब यहाँ से काफ़ी ऊपर आ सकता है। और जो US की कंपनीज़ हैं, जापान की कंपनीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन की कंपनीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में लगानी चाहती थी, देखिए दोस्तों चाइना में क्यों लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि लेबर कॉस्ट कम है। और उसके बाद इंडिया में भी दोस्तों काफ़ी लेबर कॉस्ट कम है, लेकिन स्टिल यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी। इसलिए बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, बड़े बड़े बिजनेस हैं, इंडिया में इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे थे इंडिया को। वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, वियतनाम जा रहे थे, ताइवान जा रहे थे, सिंगापुर जा रहे थे, थाईलैंड जा रहे थे, लेकिन इसके बाद अब हो सकता है इंडिया में दोस्तों ये डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा खासा हो, तो यहाँ पर डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या बोला है और देखिए, ही सेड होप दैट इट विल बी अ सीमलेस इंटरफेस वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ फ्रॉम लैंड परचेसिंग टू ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी अवेलेबल। तो ये एक सीमलेस इंटरफेस होगा, जहाँ पर कि लैंड परचेसिंग से लेकर ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म। ही एडेड दैट इट वुड बी अ जेन्युइन सिंगल विंडो एंड वुड एक्ट एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स of the investors. This would provide end-to-end facilitation support including pre-investment advisory information related to land banks, facilitating clearances at central and state level, the minister said. Goyal also emphasized on the security and the authentication of critical data used in this platform. So basically दोस्तों यहाँ पर देखिए सार क्या है,
यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग सकती है, इससे डायरेक्टली बेनिफिट होगा एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो यहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ेगी तो डायरेक्टली इम्पैक्ट इसका इंडियन इकोनॉमी पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर दोस्तों हर एंगल से आप देखिए दोस्तों यहाँ पर फायदा हो सकता है इस डिसीजन के बाद, इस फैसले के बाद इंडिया को, और काफी तेजी से डेवलपमेंट हो सकता है। और बेसिकली दोस्तों जो इमर्जिंग इकोनॉमी है हमारी वो डेफिनेटली तेजी से यहाँ से ग्रो हो सकती है, डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ यहाँ से ग्रो होती हुई हमको देखने को मिलेगी। और एज ए इन्वेस्टर दोस्तों हमको क्या करना है भैया, हमको इन्वेस्टेड रहना है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी में हमको इन्वेस्टेड रहना है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, जिनके पास मोट है, जिनके पास मोनोपोली है, जिनके पास हेल्दी कैश फ्लोज है, जिनके पास मतलब कि आप कह सकते हैं कि बढ़िया मैनेजमेंट है जो अपने बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर सकता है। ऐसी कंपनीज में हमको इन्वेस्ट करना है और ऐसी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जो कि ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं भविष्य में। तो ये है दोस्तों, ये पूरा एनालिसिस, पूरा रिपोर्ट, पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है एज ए इन्वेस्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर हमारे लिए ये सब जानना ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी फीडबैक या थॉट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।